हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने वाईफाई PTCL की जो होती है आपका उसका आप उसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो करते ये हैं कि आपके मेरे पास जो PTCL की वाईफाई मैं अभी उसे कंप्यूटर पुट करता हूं। तो अभी जब आप इसको अपने कंप्यूटर में पुट करेंगे तो उस वक्त जो है एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। जो भी आपके पास ब्राउज़र होगा उसमें, चाहे वो UC हो या क्रोम हो सकता है, लेकिन अगर इनमें से आपने कोई भी नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो उस वक्त आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास इस वक्त क्रोम ब्राउज़र ओपन हो रहा है, अगर आपके UC ब्राउज़र ओपन हो रहा है। अगर आपके पास कोई भी ब्राउज़र ओपन नहीं होता तो आपने करना ये है कि आपने अपना जो है सर्च बार, उसमें जाके आपने टाइप करना है 192.168.1.1, ये लिख के आपने इंटर कर देना है तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो फिर आपने करना ये है कि आपके सामने ये सेटिंग खड़ी है तो आपने करना है सेटिंग पे क्लिक। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी ईवो को यूज़ करते हैं उसका जो सेटिंग में यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ हुआ तो आप उसको रीसेट बटन से जब करेंगे तो उस वक्त ये एडमिन का एडमिन ही आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऊपर यूज़र नेम में भी एडमिन सेट कर देना है और नीचे पासवर्ड में भी हमने एडमिन टाइप कर देना है, ADMIN। याद रहे ये छोटे अल्फाज में होगा एडमिन। तो लिख के हमने कर देना है लॉगिन। लॉगिन के बाद हम लोगों ने कर देना है कन्फर्म। तो कन्फर्म के बाद इसकी सेटिंग हो जाएंगी ओपन, और ओपन होने के बाद हमने चले जाना है लैन में। लैन में जाने के बाद हमने चले जाना है बेसिक सेटिंग में, लैन बेसिक सेटिंग में। उसके बाद हमने करना ये है कि ये लिखा हुआ है शो पासवर्ड, तो ये हमारी जो ईवो है इसका पासवर्ड है। तो हम चाहते हैं कि हम ये पासवर्ड चेंज करें तो हमने करना ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका पासवर्ड रखना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मैंने रख दिया पासवर्ड और लास्ट में मैंने लगा दिया 1 C। ठीक है, अदरवाइज आप चाहते हैं कि हम जो अपने ईवो का नाम भी चेंज करें तो इसको मैं लिख देता हूँ शानू 4G लिख देता हूँ इसको मैं। तो ये मैंने इसका जो है नाम भी टाइप कर दिया, और जब ये सेटिंग आपने अप्लाई कर दी तो उसके बाद आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो ये अप्लाई से इसका पासवर्ड भी चेंज हो गया और इसमें जो है इसका नाम भी चेंज हो गया। अब किसी मोबाइल में आप ओपन करेंगे तो हमारा जो PTCL का ईवो है तो उसका नाम जो है शानू 4G आ रहा होगा और उसके साथ उसका पासवर्ड 1 to 9 तक गिनती और लास्ट में C होगा। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और अदरवाइज़ आपका किसी किस्म का कोई भी कॉमेंट जो है क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।